कहते हैं इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां इंसान का वास ना हो, जहां जिंदा इंसान नहीं होते। उन सुनसान रास्तों पर उनकी रूहें भटकती रहती हैं। एक ऐसा ही किस्सा है शैलेश का, अब देखिए। हाँ हेलो सीमा, नहीं अभी ऑफिस का इवेंट खत्म हुआ है। ये लोग भी ना इतनी दूर इवेंट रखते हैं यार, कैब भी नहीं ले सकता, ऐप नहीं चल रहा है। खैर यहाँ इस सड़क पर रुका हूँ, शायद कुछ मिल जाए। कैसी सुनसान जगह है ये, कुछ आ भी नहीं रहा इस तरफ। ये कमबख्त ऑटो वाले भी ना। सर सर प्लीज रुकिए सर, शायद कोई बड़ी गाड़ी आ रही है। वाह बस है ये तो। अरे अरे रुको 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 रुको, मार डालोगे क्या? अजीब बस है। ड्राइवर सर, आप पहले जेट प्लेन चलाते थे क्या? स्टेशन जाएगी ना ये बस? अच्छा एक स्टेशन का टिकट दे दो। भाई सुनो, ड्राइवर भाई जरा संभाल कर, घर जाना है, चांद पर नहीं जाना। अजीब बच्चा है। इन जंगल के रास्तों पर ठंड बहुत होती है। भाई ये बस स्टेशन ही जा रही है ना? अरे ये स्टेशन का रास्ता ऐसा सुनसान कैसे? कंडक्टर भाई मैंने आपसे कुछ पूछा। बड़ा अजीब है ये कंडक्टर। मैंने पूछा ये बस स्टेशन ही जा रही है ना? नहीं। ये तुम्हारी आंखें? बैठे रहो। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नहीं। ये टिकट तो 7 साल पुरानी है और ये सब लोग। ये तो यही बस है और ये पेपर 11 जून 2013। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ड्राइवर बस रुको। नहीं, ये क्या? ये तो वही खाई है। बस खाई की तरफ जा रही है। ये बस खाई की तरफ जा रही है। ये बस अपना एक्सीडेंट दोहराने जा रही है। नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकता। नहीं ड्राइवर रुको, बस रुको प्लीज, मुझे जाने दो। कंडक्टर तुम कुछ करो ना प्लीज। नहीं, ये क्या है? नहीं छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो।
मैं ठीक हूँ, एक भी चोट नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे। कुछ तकलीफ है बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? काका काका मैं उस बस में। हाँ तो तुम उस बस में थे? आपको पता है उस बस के बारे में? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम खुशकिस्मत हो बेटा, वो बस नहीं मौत की बस है। हर रात वो अपनी मौत का नजारा दोहराती है इसी सड़क पर। तुम बच गए, इसे अपने कर्मों का फल समझो। अब चले जाओ यहां से बेटा, जाओ चले जाओ यहां से। शैलेश तो उस रात बच गया, पर पता नहीं इस मौत की बस ने कितनों का शिकार किया है। अपनी दर्दनाक मौत का नजारा ये बस पता नहीं यूं ही दोहराती रहेगी। महामारी फैली होने के कारण दीपक और मारिया के स्कूल बंद थे। वे दोनों अपनी माँ से नानी के घर जाने की जिद कर रहे थे। मम्मा स्कूल बंद है, पता नहीं कब खुलेंगे, तब तक हम दोनों को नानी के घर जाने दो। हाँ मम्मा, वैसे भी यहाँ पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करा देती हूँ, तुम लोग सामान पैक करना शुरू करो। दीपक और मारिया अपनी नानी के गांव पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि गांव के सभी घरों के चारों ओर दो दो फीट की चौड़ी दीवार है और दीवार में दरवाजा भी नहीं है। लोग सीढ़ी लगाकर दीवार फलांग कर घरों में जा रहे हैं। ये सब क्या है नानी, इस घर के चारों ओर इतनी मोटी दीवार और वो भी बिना दरवाजे की? पहले घर चलो, मैं सब बताती हूँ। दीपक और मारिया सीढ़ी पर चढ़कर अपनी नानी के घर के अंदर पहुँचे। रात में 12 बजे के बाद गांव में एक चुड़ैल रोलर लेकर आती है और लोगों के घरों पर रोलर चढ़ा देती है। वो चुड़ैल कई लोगों की जान ले चुकी है, इसलिए लोगों ने अपने घरों के चारों ओर मोटी दीवार खिंचवा ली। अब तुम खाना खाकर सो जाओ, थक गए होगे। दीपक और मारिया जब रात में सो रहे थे तो अचानक उनकी आंख खुल गई। धम धम की आवाज आ रही थी और पूरा घर हिल रहा था। ये क्या हो रहा है नानी? शांत रहो बच्चों, घबराओ नहीं, लगता है रोलर वाली चुड़ैल फिर गांव में आई है। पूरी रात उन लोगों ने डर कर काटी। सुबह जब वो घर से बाहर गए तो उन्होंने देखा कि चुड़ैल ने पड़ोस के घर की दीवार तोड़ दी थी। बच्चों, चुड़ैल आज नहीं तो कल हमारे घर भी हमला करेगी, इसलिए रात में घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। नानी जब चली जाती है तो दीपक मारिया से कहता है, मैंने आज तक कोई चुड़ैल नहीं देखी, मेरा चुड़ैल को देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो खतरनाक हुई तो हम दोनों को खा जाएगी, रात में बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उस रात दीपक सिर्फ सोने का नाटक करता है। जब उसे पता लगता है कि नानी और मारिया सो गए तो वो दीवार कूद कर बाहर आ जाता है। चुड़ैल उस समय रोलर लेकर घूम रही थी। जब उसकी नजर दीपक पर पड़ी तो उसने अपना रोलर दीपक के पीछे दौड़ा दिया। मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, इंसानों सहित सबके घर कुचल दूंगी। बचाओ बचाओ बचाओ। सुनसान रात में दीपक को बचाने वाला कोई नहीं था। दौड़ते दौड़ते वो तालाब किनारे पहुंच गया। आगे रास्ता नहीं था और चुड़ैल का रोलर दीपक के पास आ जाता है। दीपक तालाब में कूद गया। सुबह जब मारिया और उसकी नानी उठी तो उन्होंने देखा कि दीपक बिस्तर पर नहीं है। नानी, दीपक कहाँ चला गया? वे दोनों दीपक को पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता।
कहीं दीपक रात में घर के बाहर तो नहीं चला गया? कल वो मुझसे कह रहा था कि उसे चुड़ैल को देखना है। नानी और मारिया घर से बाहर निकलकर गांव में जाते हैं। पूरे गांव में ढूंढने के बाद उन्हें दीपक तालाब के पास बेहोश पड़ा मिला। मारिया उसका पेट दबाकर उसके पेट से पानी बाहर निकालती है। तब दीपक को होश आता है। वे दोनों दीपक को उठाकर ले जाते हैं। कल रात मैं बाहर गया था, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई। मजबूरी में मुझे तालाब में कूदना पड़ा, लेकिन चुड़ैल तालाब के पास ही खड़ी रही। मैं पूरी रात तालाब में तैरता रहा। सुबह चुड़ैल जब गायब हो गई, तो मैं तालाब से बाहर निकल पाया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नानी, आखिर आप और आपके गांव वाले कब तक इस तरह चार दीवारों में बंद रहकर जिंदगी काटेंगे? हमें मिलकर चुड़ैल का मुकाबला करना होगा। दीपक जाकर गांव के लोगों से बात करता है और उन्हें चार दीवारी से मुक्त होने को प्रोत्साहित करता है। तुमने ठीक कहा, आज रात सारे लोग इकट्ठे होंगे और चुड़ैल से बात करेंगे। रात के 12 बजे लोग चौराहे पर इकट्ठे हुए और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। पूरे गांव में भयानक सन्नाटा था। डर के मारे कोई बात तक नहीं कर रहा था। तभी चुड़ैल रोलर लेकर आई। सबको मार डालूंगी, घर सहित कुचल दूंगी। रुको, हमें तुमसे बात करनी है। लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन चुड़ैल किसी की नहीं सुनती और लोगों के ऊपर रोलर चढ़ा देती है। कुछ लोग रोलर के नीचे आ जाते हैं और बाकी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल मारिया के पीछे पड़ गई। मारिया सड़क पर दौड़ रही है, चुड़ैल उसके पीछे है। आगे रास्ता बंद हो जाता है। कोई बचाओ, बचाओ। दीपक रस्सी का फंदा बनाकर घुमाता है और सीधे चुड़ैल के गले में डालता है। फिर वो चुड़ैल को रोलर से नीचे खींच लेता है। आ जाओ गांव वालों, चुड़ैल मेरे कब्जे में है। सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तुम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है। 50 साल पहले की बात है, मेरा इसी गांव में घर था। एक दिन शहर से एक सड़क डालने वाला ठेकेदार आया। हमारा घर सड़क के बीचों बीच पड़ा था। उसने हमसे घर हटाने को कहा, लेकिन हमने मना कर दिया। फिर एक रात जब मैं और मेरा परिवार सो रहे थे, तो ठेकेदार ने पूरा रोलर ही हमारे घर पर चढ़ा दिया। कोई गांव वाला ठेकेदार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैं और मेरा पूरा परिवार मारा गया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन उसकी सजा तुम सबको मत दो। हम लोग चार दीवारी में बंद रह रहे हैं, ठीक से हवा भी हमारे घर में नहीं आ पाती। हम वादा करते हैं कि ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी के भी ऊपर इस गांव में दोबारा अन्याय हुआ तो वापस आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है।